व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फारूक बिलाल और आप देख रहे हैं सन स्पोर्ट्स टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं कायदे आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे, जहां पर कराची यूनिवर्सिटी की आर्चरी टीम जो है वो इस वक्त यहां पर रवानगी के लिए तैयार है सिंगापुर ओपन आर्चरी कप में शिरकत के लिए। हम आपकी बात करवाते हैं इनके कोचेज और प्लेयर से, रहें हमारे साथ। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं हसान अब्दुल्ला जो कि कोच हैं कराची यूनिवर्सिटी के, और इस टीम को जो है वो लेकर जा रहे हैं इस एशियन आर्चरी कप के लिए। इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसान, ये बताएं कि माशाल्लाह आर्चरी की जो टीम है पाकिस्तान की, वो फ़र्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत के लिए जो है वो यहाँ पर रवानगी के लिए तैयार है। इस इवेंट के हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो टीम है वो सिंगापुर ओपन आर्चरी चैंपियनशिप खेलने जा रही है, जिसको हमने श्रीलंका के अंदर 2 दिन का आर्चरी का जो है उनको कैंप भी दिया है, और फिर सिंगापुर के अंदर 3 दिन का इवेंट खेलेगी, और उसके साथ साथ उनको हमने 5 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए। बेसिकली इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का मकसद ये, बच्चे ग्रो करें और इनको इंटरनेशनल इवेंट खेलने का मौका मिले, और फिर ये ओलंपिक लेवल की तैयारी करें और ओलंपिक के अंदर ये मेडल लेकर हासिल है। क्या समझते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान से कोई टीम जो है इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप खेलने जा रही है, क्या उम्मीद है आपको कि कोई पोजीशन ला सकती है? देखिए, बेसिकली इस तरह की प्रॉपर टीम जो है वो वाकई में फ़र्स्ट टाइम जा रही है, जिसके अंदर जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो रिकव मेन वूमेन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद के साथ हैं कि जो है मेडल लेकर आएगी वो। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब जो कि स्पोर्ट्स फॉर ऑल के चेयरमैन हैं, और इस टीम को जो है इनकी भरपूर सपोर्ट हासिल है, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। सलाम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आप तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से आपने जो है वो इस टीम को सपोर्ट किया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, असल में सफरी सहूलियात के हवाले से, चूँकि ये बच्चे पहली बार जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, चूँकि मेरा एक एक्सपोजर है, हम पहले भी टीमें ले जाते रहे हैं डिफरेंट टाइप की, तो इनके जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवलिंग के हवाले से, और वैसे भी स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन दीगर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, और आर्चरी इस वक्त जो ज़्यादा फोकस्ड है कि आर्चरी को हम ज़्यादा फ़रोग देना चाह रहे हैं, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस खेल की तरफ रागिब हों, और ये जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी एक शनाख्त हो और फिर मुल्क का नाम रोशन करें, और इस तरह के और दीगर बड़े चैम्पियनशिप में भी इनको नुमाइंदगी मिले। क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है कि वो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सिर्फ इनको निखारने की ज़रूरत है, इनको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत है, और फर्दर मैं ये कहूँगा अगर ऐसे स्पॉन्सर जो दीगर स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उनको अगर वो भी थोड़ा सा आगे आएँ, इनको इनकी इक्विपमेंट में सपोर्ट करें, इनको मोटिवेट करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई भी, ये सारे हमारे चैंपियंस हैं, मुस्तकबिल के ये सारे बच्चे चैंपियंस हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं आर्चरी प्लेयर कुरतुल ऐन, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। कुरतुल ऐन, ये बताएं कि आपने की तैयारी कैसी है इस इवेंट के को खेलने के लिए, जीत कर आएंगी? इंशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे भेजा जा रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटीज़ और फेडरेशन जो है वो हमारी मेहनत करती रहेगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो आर्चरी में भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेगा। आपको हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो प्राइवेट एसोसिएशन जो है वो उनकी सरपरस्ती और उनकी रहनुमाई हासिल रही, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप समझती हैं कि गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है इस चीज़ की कि वो आगे बढ़े और जो यंग प्लेयर्स हैं हमारे उनकी सपोर्ट करें? बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करनी चाहिए, हर कंट्री में आप देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले आकर सपोर्ट करती है, बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि प्राइवेटली आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है, जब आप नाम बना लेते हैं तो फिर गवर्नमेंट सब मदद करेंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं मरियम जो कि यंग आर्चर हैं, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। मरियम, आपसे हमारा सवाल ये है कि गर्ल्स तो अमूमन आसान से गेम बैडमिंटन टेबल टेनिस वगैरह खेलना पसंद करती हैं, आपने ये गेम ही क्यों चूज़ किया, इतना मुश्किल क्या वजह थी? इसमें देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस होती है आपकी चीज़ों के, आपकी चीज़ें आपके पास फराम होती है तो हर चीज़ आसान होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आर्चरी कोई भी मुश्किल गेम नहीं है, बस ये है कि हमारे पास इतना कॉमन नहीं है जितना अमूमन और दूसरे मुल्कों में, तो जब हमारे मुल्क में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी तो ये गेम जो है जिस तरह आपको मुश्किल लगता है वो फिर दूसरों को भी जो है आसान लगेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगी गर्ल्स को, ख़ास तौर पर इस गेम के हवाले से?
गर्ल्स को मेरा मैसेज ये है कि जो है ना सब जितनी भी गर्ल्स हैं वो आपस में जो है आएँ, जितने अपने बलबूते पे आएँ, यहाँ पे फेडरेशन हैं, छोटे छोटे जो है ना क्लब्स हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह जब वो ग्राउंड में आएंगी हम उनको सबको सपोर्ट करेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं अनवारुल हसन जो कि यंग आर्चर हैं, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, इनसे हम आपकी बात करवाते हैं। हाँ अनवार, कैसी तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी पूरी मेहनत की है। वी आर प्रिपेयर फॉर अचीविंग आर टारगेट, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे ट्रेनिंग जिस चीज़ की दी गई है, इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि उसको अचीव करेंगे। क्या समझते हैं इक्विपमेंट के हवाले से कि क्या आपके पास ऐसा इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट अवेलेबल है कि आप कम्पीट कर सकें? जी बिल्कुल, हमने पूरी कोशिश की है कि हम लोग अपना स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल का बना सकें, ताकि हम जिनको कम्पीट करने जा रहे हैं ताकि हम उनके मुकाबले में आकर कम्पीट कर सकें। अभी हम उस लेवल पे थोड़ा बहुत हमें आने की ज़रूरत है कि क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल उनको सपोर्ट है, उनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है, तो उनको उनकी ट्रेनिंग में हमारी ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। तो इसीलिए हम जो कोशिश हमारी ऑब्जेक्टिव यही है, हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम लोग उनके लेवल पर आएँ, उनकी चीज़ों को मतलब जिस लेवल पर वो कम्पीट कर रहे हैं हम लोग उसको कम्पीट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।